दोस्तों, सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं दयानंद आज आपको वीएमसी मशीन के एड्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, यह पहला एड्रेस है, प्रोग्राम नंबर है। प्रोग्राम नंबर हमारा ओ के साथ में 4 डिजिट रखते हैं, जैसे O8289 या कुछ भी हमारा ड्राइंग नंबर या पार्ट नंबर को हम ले सकते हैं इसके अंदर। ड्राइंग नंबर या पार्ट नंबर से दूसरा एड्रेस है सीक्वेंस नंबर एन, जैसे N1 N2 N3 N4 N5, ये हमारे सारे सीक्वेंस नंबर है। अगला प्रेपरेटरी कमांड जी, जैसे G01 G02 G03 G0 G04, ये सारी JET से। अगली है एब्सोल्यूट पोजीशन स्ट्रेट, इसके अंदर हमारा X Z Y। रनिंग के अंदर तो आपने दो कमांड देखी होगी, वर्टिकल के अंदर ये एक्स एब्सोल्यूट पोजीशन की तीन होती है, X Y Z। एक्स के अंदर हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एक्स की वैल्यू, जेड के अंदर हम जेड वैल्यू, और वाई के अंदर हम वाई वैल्यू। अगली इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट होती है, स्ट्रेट के अंदर एक्स यू बी सी, एक्स के लिए यू, जेड के लिए बी और वाई के लिए सी, यू बी सी, ये हमारी इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है इनकी, जैसे यू माइनस या यू प्लस जो भी वैल्यू दे देंगे, 0.2 या 0.2 या 0.5, ऐसा ही हम बी के अंदर दे देंगे, ऐसा ही हम सी के अंदर दे देंगे। एक होती है एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल आर्क कमांड, आर्क कमांड होती है IJKR, ये 4 कमांड होती है, ये एक्स के लिए, ये जेड के लिए, ये वाई के लिए, आर हमारा रेडियस के लिए, ये तीनों कमांड हमारी एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल की आर कमांड होती है। डिफाइन स्पीड रेट की कमांड होती है हमारी एफ कमांड, एफ के अंदर हम फीड देते हैं एफ 0.0, वीएमसी के अंदर एफ 100, एफ 200, एफ 500, एफ 1000, ऐसे देते हैं। मिस लाइनर फंक्शन होता है एम, एम के अंदर जैसे हमने M01 M00 M02 जितने भी हमारी है एम कमांड ATC, बहुत सारी होती है, ये देते हैं। डिफेंस स्पीड रेट के अंदर हम देते हैं एस, एस में देते हैं RPM, रोटेशन परमानेंट, ये S3000, S2000, S4000, ऐसे देते हैं। टूल सिलेक्शन करते हैं टी कमांड, टी कमांड के अंदर हम T1 M6 या T2 M06 ऐसे, T3 T4 ये ऐसे देते हैं। अगला कमांड होता है डिफाइन टूल ऑफसेट, इसके अंदर D एंड H देते हैं, एच के अंदर हम हाइट देते हैं, डी के अंदर हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो होती है वो देते हैं, ठीक है। जेड की वैल्यू या फिर हमें डायमीटर ये देते हैं। ये हमारे वीएमसी मशीन के एड्रेस थे। एक बार प्रोग्राम नंबर हो गया, पहला वो एड्रेस है, वो पहला ओ है, दूसरा एड्रेस हमारा एन है, तीसरा जी है। ओ के अंदर हम प्रोग्राम नंबर देते हैं 4 डिजिट के साथ में, आगे प्रोग्राम नंबर या पार्ट का नंबर लिख देते हैं, ब्रैकेट में हम कंपोनेंट का नंबर भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा सीक्वेंस नंबर N1 N2 N3 N4 N5, इसके साथ में हम टूल भी दे देते हैं, हमारा जैसे 12 का एंड मिल है या 16 डाया का एंड मिल है या हमारा कोई कटर है,
या हमारा ड्रिल चलना है, 8 का चलना है, 10 का चलना है, या रिमर चलना है, इसके अंदर ड्रिल और रिमर भी चलते हैं। अगला हमारे प्रेपरेटरी कमांड जी है, इसके अंदर G01 है या G02 है या G03 है, G0 है, G04 है, G17 है, G18 है, G19 है, G97 है, बहुत सारे हमारे ये जी कमांडें होती है। अगला हमारा स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट चलने के लिए, सीधा चलने के लिए, एक्स के अंदर, वाई के अंदर या टेपर में चलने के लिए XYZ है हमारी पोजिशन। इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, जेड एक्सिस की वैल्यू होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। एक स्ट्रेट चलने के लिए इंक्रीमेंटल कमांड होती है UB और C, UB एंड C। इसके अंदर यू की वैल्यू दे देंगे माइनस में या प्लस में, ऐसे ही बी के ऐसा ही सी की है हमारी। अगला हमारा आर्क एप्सिलेट कमांड होती है IJKR, इसके अंदर आई की वैल्यू दे देंगे 1 mm या 5 या 10 या 15, जितना के हमारा आई के अंदर रोटेट करना है या जे के अंदर रोटेट करना है, के अंदर रोटेट करना है, साथ में आर दे देंगे। आर के अंदर हमें रेडियस में रोटेट करते हैं वो देते हैं आर्क के अंदर। अगला है डिफाइंस फीड रेट, इसके अंदर आपके अंदर हम फीड डालते हैं F100, F200, F300, F400, F500, F600, F1000, जितनी भी हमें फीड रेट देनी है। अगला है मिस लाइनस फंक्शन, एम होता है हमारा, इसके अंदर M01 है, M00 है, M02 है, M03 है, M04 है, M10 है, M20 है, M08 है, M30 है, जितने भी हमारे मिस लाइनर फंक्शन है वो आ गए। अगला डिफेंस स्पीड रेट, इसके अंदर S 3000, S 1000, S 1500 है, S 2000, S 4000 है, जितने भी हमारी स्पीड रोटेट करनी है वो देते हैं। अगला टूल सिलेक्शन, टूल सिलेक्शन के अंदर एक नंबर टूल है T01, M6, T02, M6, T03, T04, T05, ऐसे देते हैं, ये 24-25 तक होते हैं। अगला टूल की ऑफसेट होते हैं, डिफाइन ऑफसेट क्या होते हैं, DH के अंदर देते हैं। डी के अंदर हम वैल्यू ले लेते हैं XYZ की और H के अंदर हम Z की पोजीशन डालते हैं, ऊपर की वैल्यू, H की हाइट। ये हमारी VMC मशीन के जो एड्रेस थे प्रोग्राम बनाने के वो थे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर VMC के हम प्रोग्रामिंग की स्टार्ट कैसे करते हैं और ऑफसेट कैसे लेते हैं वो समझाऊंगा।